जब आप सुबह से लेकर शाम तक अपने तमाम काम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं तो ट्रैवल के दौरान कैश लेकर चलने की क्या जरूरत। यात्रियों को कैशलेस यात्रा कराने के लिए भारतीय रेल भी कई सुविधाएं दे रही है और यात्रियों की सुविधा के लिए लेनदेन का डिजिटल तरीका अपना रही है। टिकट बुकिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने और ट्रेन के अंदर कोई भी फूड या मील्स के लिए यात्री डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनों में यात्रियों के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने ई कैटरिंग सर्विस शुरू की है। ई कैटरिंग सर्विस को IRCTC द्वारा मैनेज किया जाता है। खास बात यह है कि यात्री ऑनलाइन यानी ई टिकट की बुकिंग के समय या ट्रेन में यात्रा करते समय भी ऐप, वेबसाइट या 1323 पर कॉल करके अपनी पसंद के भोजन का प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ई कैटरिंग सर्विस 310 रेलवे स्टेशनों पर 1755 सर्विस प्रोवाइडर्स और 14 फूड एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जो रोजाना औसतन 41,844 मील्स की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर भी खान पान इकाइयों से खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही खाने और अन्य सामान और सेवाओं के पेमेंट के लिए भारतीय रेल ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए 596 ट्रेनों में 3,081 POAS मशीनें उपलब्ध कराई हैं और 4,316 स्टैटिक यूनिट्स POAS मशीनों के साथ उपलब्ध हैं। इस पहल से ओवरचार्जिंग जैसी शिकायतें भी दूर हो रही हैं। इतना ही नहीं, रेलवे ने देश के कई बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर ATVM यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए हैं। ATVM मशीन की मदद से यात्रियों को अब टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती और खुद ही टिकट निकाल सकते हैं। इस ATVM मशीन से टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को तीन तरह का पेमेंट ऑप्शन मिलता है। वो चाहे तो इस मशीन से कैश, UPI और स्मार्ट कार्ड से भुगतान करके टिकट खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBN।